subscribe to my channel, press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। अगर मैं कहूँ कि इंडिया में एक दिन में, यानी कि हर एक वीक में जब फ्राइडे आता है या सैटरडे, फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, तो मूवी डबल डिजिट्स में मूवीज़ रिलीज़ होती है। इसका मतलब ये है कि मूवीज़ इंडिया में, चाहे वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे गुजराती, चाहे बंगाली, चाहे भोजपुरी, चाहे मराठी, चाहे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, सभी, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो लगभग लगभग 10 से लेकर के 15 मूवीज़ रिलीज़ होती है, और कभी कभी तो 15 से लेकर के 20 मूवीज़ भी रिलीज़ होती है सिर्फ और सिर्फ एक वीक में। तो इतने ज़्यादा मूवीज़ जब रिलीज़ होती हैं सिर्फ और सिर्फ एक वीक में, तो आप सोच सकते हैं कि ऑडियंस कितनी ऑडियंस ऐसी होगी जो कि अलग अलग मूवीज़ देखती होगी। अगर आपने सुना होगा कि एक दिन में 2 मूवीज़ 3 मूवीज़ रिलीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बिजनेस जो होता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होता है, वो बंट जाता है 2-2 मूवीज़ में। लेकिन अगर आप देखें कि 25 अक्टूबर को जब हाउसफुल 4 रिलीज़ हुई, तो उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ हुई। हाउसफुल 4 मूवी रिलीज़ हुई, तमिल में मूवी रिलीज़ हुई बिगिल, साथ ही साथ हिंदी में 2-3 मूवीज़ और रिलीज़ हुई, और तमिल में भी कई थे मूवी रिलीज़ हुई थी। हिंदी में रिलीज़ हुई थी सांड की आंख, उसी के साथ साथ एक और मूवी रिलीज़ हुई थी मेड इन चाइना। तो मतलब एक ही दिन में इतनी सारी मूवीज़ रिलीज़ होना, और वो भी मेजर बड़ी बड़ी मूवीज़ रिलीज़ होना, मूवीज़ का कलेक्शन तो बंटना ही था। लेकिन फिर भी 2 ऐसी मूवीज़ थी, आप कह सकते हैं 3 ऐसी मूवीज़ हैं, आप कह सकते हैं 4 ऐसी मूवीज़ हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में जमकर परफॉर्म किया है। कौन कौन सी मूवी थी? पहली थी हाउसफुल 4, दूसरी थी बिगिल, तीसरी थी सांड की आंख, और चौथी मूवी थी कई थे। तो ये मूवीज़, 4 मूवीज़ थी, इन्होंने मेजर कलेक्शन किया है। मैं सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की इस वक्त बात कर रहा हूँ। वैसे तो मराठी भी मूवीज़ काफ़ी रिलीज़ हुई थी, गुजराती भी हुई थी, बंगाली भी हुई थी, पंजाबी भी हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं 2 फिल्म इंडस्ट्री की अभी बात कर रहा हूँ। तो इन 2 फिल्म इंडस्ट्री से 4 मूवीज़ थी जो कि बॉक्स ऑफिस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउसफुल 4 और बिगिल मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में अभी भी एक दूसरे को जमकर टक्कर दे रही है। चलिए कलेक्शन के बारे में आपको बता दूँ। पहले बात करूँगा आपसे बिगिल मूवी के कलेक्शन के बारे में। 13th डे मूवी ने कलेक्शन किया है 1,80,00,000 नेट इंडिया में। टोटल कलेक्शन 151,45,00,000। वहीं 14th डे की बात करूं तो आज के दिन मेजर ड्रॉप देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाकी भी मूवीज़ रिलीज़ होनी है, खास करके हिंदी मार्केट में भी रिलीज़ होनी है, तमिल मार्केट में भी। एक मूवी रिलीज़ होनी है बाला, आयुष्मान खुराना। इस मूवी की काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी है चेन्नई में भी, और हैदराबाद में भी, और केरला के कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ में भी। तो ऑब्वियस बात है कि बिगिल मूवी को इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। वहीं कलेक्शन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 1 करोड़, यानी कि 1,55,00,000 से 1,60,00,000 के आसपास का अगर मूवी का कलेक्शन होता है, टोटल कलेक्शन 153 करोड़ नेट इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड में 257 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। बिगिल मूवी को वर्डिक्ट मिल चुका है ब्लॉकबस्टर का। वहीं हाउसफुल 4 मूवी की बात करूँ तो हाउसफुल 4 मूवी 13th डे कलेक्शन किया है 4,10,00,000 का नेट ऑल ओवर इंडिया से। टोटल कलेक्शन हो चुका है 186 करोड़ इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड में 260 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। अगर आपसे बात करूँ मूवी के 14th डे की रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि आज के दिन, तो लगभग लगभग मूवी की ऑक्युपेंसी अगर 8 से 10% के आसपास भी रहती है फुल डे में, तो कहीं ना कहीं मूवी का कलेक्शन हो जाएगा 3,60,00,000 से 3,70,00,000 के आसपास, और टोटल इंडिया में 189,70,00,000, और वर्ल्ड वाइड में 265 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। हालांकि इसके अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट्स मैं आपको आज शाम को 10 बजे से 11 बजे के आसपास दे दूंगा। दोनों मूवीज़ बॉक्स ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करी है, दोनों मूवीज़ को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिलने वाला है। बिगिल मूवी को ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है, या आप कह सकते हैं हिट का वर्डिक्ट तो मिल ही चुका है। बिगिल मूवी का बजट भी बहुत बड़ा था, इस मूवी का बजट 180 करोड़ का था, और हाउसफुल 4 मूवी का बजट सिर्फ और सिर्फ 70 करोड़ का था, यानी कि 70 करोड़ का था।
तो दोनों मूवी के बजट में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी जितनी भी रिलीज़ होती जा रही है वो हिट पे हिट होती ही जा रही है और एक से एक नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं हाउसफुल 4 मिशन मंगल मूवी का रिकॉर्ड भी तोड़ जाए। आपको क्या कहना है दोनों ही मूवीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।